பாங். मेरे से तो नहीं हो रहा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल thank you.
इतना तो पूछना ही बनता है, लड़के का खानदान कैसा है, लड़का कमाता कितना है। कमाने का तो ये है मौसी कि एक बार बेबी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई ना तो कमाने भी लगेगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं कमाता? अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसा मैंने कब कहा, कमाता है। अब रोज रोज कोई जीत तो नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? अरे हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ है ही ऐसी चीज, अब मैं क्या कहूँ। हैं? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी, ना ना, अब वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, अब लेकिन कभी कभार शराब पी लेता है तो फिर अब अच्छे बुरे का कहाँ पता लगता है। अब हाथ पकड़ के बिठाई लिए जुआ खेलने के लिए, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी हो शराबी हो लेकिन उसका कोई दोष नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मौसी, आप तो मेरे दोस्त वीरू को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना भोला और शरीफ है कि आप एक बार बसंती की शादी करवा के तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा मुझ बुढ़िया को समझा रहे हो, आखिर शराब और जुए की आदत छूटी है किसी की? मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरीके का इंसान नहीं है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो गई ना तो वो उस गाने वाले के घर जाना भी बंद कर देगा और शराब तो वैसे ही छूट जाएगी। हाय, बस यही कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाले के घर आना जाना भी है उसका? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी, गाना सुनने के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ, तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान से हैं? अब बस मौसी, खानदान का पता लगते ही आपको खबर दे देंगे। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले ही तुम्हारे दोस्त में 100 बुराइयां हो लेकिन तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफें ही निकलती है। अब क्या कहूँ मौसी, मेरा तो दिल भी ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रह जाए लेकिन मैं ऐसे लड़के से उसका ब्याह नहीं करूंगी। अरे सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। वैसे बेटा लड़के में कोई ऐब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लड़के में कोई ऐब नहीं है, बस वो थोड़ा प्याज ज्यादा खाता है। प्याज खाता है? जी हाँ। अरे तो कोई नहीं, प्याज तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। बहुत। और गर्मी में तो और फायदेमंद होते हैं, तो प्याज तो खाना चाहिए। जी जी, लेकिन प्याज वो तब खाता है जब वो चिकन खाता है। चिकन खाता है? जी हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं है, आजकल तो सभी खा रहे हैं, अपनी सोसाइटी ऐसी है, सब खाते हैं चिकन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे रिश्ता पक्का समझूं फिर मैं? जी, लेकिन वो चिकन तब खाता है जब वो दारू पीता है। दारू पीता है? जी हाँ। लेकिन कोई बुराई वाली बात नहीं है, आजकल तो शादी ब्याह में सारे लड़के पीते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सब कुछ सारा सभी पीता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, और कुछ तो दिक्कत नहीं है ना लड़के में। हाँ लेकिन दारू वो तब पीता है जब वो कोठे पे जाता है। कोठे पे जाता है? हाँ हाँ, कोठे पे जाता है। आज कल के नहीं, पहले के राजा महाराजा, आजकल के सारे हीरो भी तो वहीं जाते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो। अच्छा और कोई तो शौक नहीं है ना? बस एक बात और, वो कोठे पे तब जाता है जब वो जुआ में जीतता है, बाकी लड़के में कोई ऐब नहीं है। लड़का एकदम ओके रिपोर्ट। अच्छा लड़का ओके रिपोर्ट है, जुआ वो खेलता है, कोठे पे वो जाता है, है? और क्या क्या बोला तुमने? हाँ चिकन वो फाड़ता है। अबे अबे चिकन। Hey guys, thank you for watching this video. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने सारे दोस्तों में, और कमेंट सेक्शन में बताओ यार कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। बेल आइकन को भी दबाई दबा दो। ठीक है गाइस, ये पार्ट वन है, पार्ट टू तब आएगा जब आप 60 लाइक्स कर दोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और दोबारा देखना चाहते हो दूसरे पार्ट में तो फटाफट कर दो, और यार कर ही दो यार।